गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट सेशन में लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, क्लाइमेटिक कंट्रोल। जो अपने जो क्लाइमेट है इसको कौन कौन से फैक्टर है जो कंट्रोल करते हैं, मतलब कि जिनके फैक्टर बिना क्या होगा अपना क्लाइमेट बिगड़ जाएगा, वो सारे अपने पॉइंट्स पढ़े थे। आज पढ़ने वाले हम फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्या होता है, ट्रॉपिकल जो होता है क्या होता है, ऐसा क्लाइमेट में कहाँ पे हो जो ट्रॉपिक पे होता है, मतलब 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ तक जो क्लाइमेट है वो किसमें आता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है। सर हाँ अब एसएससी आप ही पढ़ाओगे या क्या? अब एसएससी आप ही पढ़ाओगे क्या? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि यहाँ पे ट्रॉपिक का तो क्यों है, यहाँ पे सब ट्रॉपिक का तो क्यों है, और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट अपना है, इंडिया वाला पार्ट अपना नॉर्थ मोस्ट पार्ट है, ये टुंड्रा क्या क्यों है, ठीक है, टुंड्रा जैसे बोलते हैं अपन, पोलर क्लाइमेट है वो क्यों है, ये सब कौन किसमें है, ये सब आएंगे अपने फैक्टर जो अपने इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, उन सब में अपने आएगा कि यहाँ पे पोलर क्लाइमेट है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल है, यहाँ पे ट्रॉपिकल है, ऐसा क्यों है, किस लिए है। देखो बट अपन बात करते हैं क्या होता है, ये
गर्म होता है और मॉइस्ट होता है। ट्रॉपिकल में क्या होता है, गर्म तो होता है लेकिन वो उतना मॉइस्ट नहीं होता है। जैसे कि बात करते हैं अपने राजस्थान की, राजस्थान अपना गर्म रहता है लेकिन मॉइस्ट नहीं है ना मॉइस्ट, इसीलिए ऐसा वो क्लाइमेट जो गर्म तो है लेकिन मॉइस्ट नहीं है, वो किसमें आएगा, वो अपना आता है सब ट्रॉपिकल के अंदर। ठीक है, तो ये थी अपनी फर्स्ट चीज, लैटिट्यूड जो अपने इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। और इसी तरह बात करते हैं ये वाला पार्ट है इंडिया का, जो ये वाला पार्ट है ये किसमें आता है अपना, ये अपना आता है पोलर क्लाइमेट के अंदर। ठीक है, पोलर क्लाइमेट में आता है, क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, दिस एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय द स्नो फॉर ऑल ए ईयर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एल्टीट्यूड की। सेकंड वाली अपना एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले समझने वाली बात है व्हाट इज एल्टीट्यूड, व्हाट डू यू मीन बाय एल्टीट्यूड। लास्ट सेक्शन था तो क्या होता है एल्टीट्यूड, क्या होता है, हाँ बताओ व्हाट इज एल्टीट्यूड, इसका मतलब होता है कोई जगह है उसकी लेवल से कितनी ऊंची है, उसको अपन बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसका मैं रीजन ही बताया था, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर है जो काम करते हैं, इसकी वजह से इंडिया के क्लाइमेट पर क्या फर्क पड़ता है। देखो, इंडिया हैज माउंटेंस टू द नॉर्थ व्हिच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर। इंडिया आल्सो हैज अ वास्ट कोस्टल एरिया लैंड द मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ इज अबाउट 30 मीटर। द मैक्सिमम एलिवेशन हो गया, the Himalayas prevent the cold wind from the Central Asia from the entering the subcontinent. It is because of these mountains that this subcontinent experience comparatively milder winter as compared to the Central Asia. हाँ, देखो अपन बात करें altitude, पता क्या altitude, सी लेवल से किसी जगह की ऊंचाई जो होती है वो क्या होता है, वो होता है एल्टीट्यूड। ठीक है, सी लेवल है, पानी से है, इस पानी से कोई कितना ऊंचा है कोई जगह, इसको बोलते हैं अपन एल्टीट्यूड। ऐसे बात करते हैं इंडिया का जो एल्टीट्यूड है वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग है। ठीक है, बात करते हैं हिमालय रीजन की, तो हिमालय का रीजन है वहां का एल्टीट्यूड कितना है, 600 मीटर, इतना ही 600 मीटर। इसका मतलब क्या है कि एक तो एल्टीट्यूड क्या काम आएगा, जैसे काम करेगा एल्टीट्यूड, यहाँ का एल्टीट्यूड कितना है, यहाँ का एल्टीट्यूड है अपना 600 मीटर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो उसकी ऊंचाई है वो क्या करती है, जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया से आने वाले ब्रिजेस को जो ठंडी हवाएं हैं, कौन सी हवाएं, ठंडी हवाएं जो कहां से चलकर आती है, जो चलकर आती है नॉर्थ पोल से, या कहां से आती है वो चलकर आती है नॉर्थ पोल से, उनसे क्या करता है उनको रोकता है, कौन रोकता है, हिमालय रोकता है। जिसकी वजह से क्या होता है इंडिया के अंदर यहाँ वाला जो पार्ट है ये तो पूरा ठंडा रहता है, एकदम क्लियर रहता है। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या होता है, इतना ठंडा नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ, हिमालय जो क्या करता है, हिमालय एज ए बैरियर के रूप में काम करता है, क्या काम करता है, एज ए बैरियर के रूप में काम करता है, रुकावट के काम करता है। किस चीज के रुकावट में काम करता है, कि इंडिया क्लाइमेट है वो क्या हो, सेंट्रल एशिया है, उतना ठंडा ना हो। जैसे बात करते हैं चीन, मंगोल, ठीक है, और इसके ऊपर रूस आता है। ठीक है, तो ये सब ऐसे एरिया है जो क्या है, जो भूजल ठंडे रहते हैं, क्यों ठंडे रहते हैं, बिकॉज जो नॉर्थ पोल से आने वाली हवाएं हैं वो सीधी कहाँ आती है, वो सीधे सेंट्रल एशिया, रूस है, चाइना है, मंगोला, वहाँ आती है और उस एरिया को भूजल ठंडा कर देती है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं माउंटेन की, हमारी हिमालय क्या करता है, हिमालय ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर सेंट्रल एशिया के कंपैरेटिव कम ठंड पड़ती है। ठीक है, जिसको अपन सहन कर सकते हैं, ये काम करता है अपना एल्टीट्यूड। थर्ड इंपॉर्टेंट है प्रेशर एंड विंड। फर्स्ट उनका प्रेशर क्या होता है, ये जो प्रेशर है सबसे इंपॉर्टेंट अपना प्रेशर है, उसके बाद में विंड है, क्यों इंपॉर्टेंट प्रेशर है, क्योंकि जो प्रेशर है ये अपने सीजन से सारे सीजन है उनको कंट्रोल करता है प्रेशर। ठीक है, इस प्रेशर की वजह से ये जो विंड है ये कंट्रोल होती है, और विंड क्या करती है, विंड अपने इंडिया के अंदर लेके आती है विंटर, मानसून और समर ले जाती है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं, द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है,
इंडिया का क्लाइमेट है वो क्या होता है, वो एयर विंड की जो तीन चार क्वालिटी है उनसे कंट्रोल होता है। फर्स्ट कौन सा है, द प्रेशर एंड द सरफेस विंड, ठीक है, अपर एयर सर्कुलेशन एंड द वेस्टर्न साइक्लोनिक प्रेवलेंस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, फर्स्ट कौन सा अपना, प्रेशर एंड द सरफेस विंड। प्रेशर मतलब किस चीज का प्रेशर, एयर प्रेशर, ऐसा प्रेशर एयर प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पर। आपको पता है कि हर चीज के अंदर क्या होता है, वजन होता है, मास होता है, जिसके अंदर होता है ना मास। इसी तरह क्या होगा, अगर जैसे मान लो ये किसी जगह पे ज्यादा होती है, इसी जगह पे ज्यादा होती है तो उसे बोलते हैं अपन हाई प्रेशर। क्या बोलते हैं उसे, हाई प्रेशर होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वाफर क्या होती है, ठंड होती है। क्यों होती है ठंड, बिकॉज अगर कोई एरिया लो प्रेशर, ऐसा मतलब क्या होता है कि वहां पर एयर नहीं है, वो एयर कहाँ गई, एयर कहाँ गई, उस एयर को जो सूरज की गर्मी है उसने क्या कर दिया, वहां से हटा दिया। ठीक है, इसी जगह की ऊपर अगर लो प्रेशर है तो किस वजह से है, इसका मतलब क्या है, वहां पर जो गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा मतलब क्या होगा, जो सन है वो डायरेक्टली वहां पर क्या करता है, शाइन करता है। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पड़ती है उसकी, जिस जगह पर लो एयर प्रेशर होते हैं। मान लो इंडिया का ये वाला पार्ट है किसमें रहता है, ये रहता है अपना लो एयर प्रेशर में रहता है। क्यों रहता है, बिकॉज इस एरिया के अंदर जो सन है उसकी रेज डायरेक्टली शाइन होती है, डायरेक्टली पड़ती है, इसकी वजह से यहाँ की जो एयर है, यहाँ की जो एयर होगा करती है गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, और यहाँ क्या बनता है, यहाँ पर लो एयर प्रेशर बनता है। ठीक है, देखो आगे प्रेशर एंड सरफेस विंड भी अपने यही है। देखो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया कहाँ पड़ता है अपना, इंडिया पड़ता है अपना जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स है, नॉर्थ और ईस्ट की जो विंड चलती है उस एरिया में अपना इंडिया पड़ता है। दीस विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो विंड आती है अपनी नॉर्थ और ईस्ट से विंड आती है, कहाँ से आती है, वो अपनी विंड आती है जो नॉर्थ पोल है 66.5 डिग्री के ऊपर जो एरिया है उस एरिया चलकर क्या आती है, वो सारी अपनी विंड आती है। इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप बोल सकते हैं अपना सेंट्रल एशिया का, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया। दे ब्लो साउथवर्ड्स, गेट अफेक्टेड विद द राइट ड्यू टू देम अर्ली स्पॉट्स। दे गेट साउथवर्ड्स, तो कहां की है वो साउथ की तरफ चल के आती है। गेट डिफेक्टेड टू द अपने राइट साइड मुड़ जाती है। ठीक है, क्यों मुड़ जाती है, बिकॉज जो कर्लिस फोर्स है वो काम करता है। अब कर्लिस फोर्स क्या होता है, कर्लिस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कर्लिस फोर्स की वजह से इंडिया में मानसून आता है, विंटर आता है, सब अगर ये नहीं होगा तो हवाएं क्या होगी, सीधे निकल जाएंगे और वो मुड़ेंगे नहीं। तो क्या होता है कोर्डलेस फोर्स, एन अपेरेंट फोर्स पोज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। ठीक है, द कोर्डलेस फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द रिफ्रैक्टिव विंड्स। हां, कोर्डलेस फोर्स क्या होता है, कोर्डलेस फोर्स का मतलब है जब अर्थ रोटेट करती है ना, जब अर्थ घूमती है उसके घूमने की वजह से, जैसे मान लो यहां पर लो एयर प्रेशर है, यहां पर क्या है, लो एयर प्रेशर है, कोई हवा इस साइड आ रही है, इस साइड आ रही है, तो अपन को पता है हवा कहाँ जाती है, हवा जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और लो प्रेशर कहाँ होता है, जहाँ पर सूरज सीधा चमकता है। ठीक है, यहाँ से आ रही है तो ऐसे इस साइड घूम जाएगी अपनी, सब हवाएं तो घूमती है, बताता हूँ आपको, क्योंकि हवा की एक विशेषता है, क्वालिटी क्या है, जब हवा चलती है तो हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, वो जाएगी लो प्रेशर के अंदर। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या होगा, साथ में अर्थ भी घूमेगी, घूमेगी ना अर्थ, तो जैसे मान लो एक हवा है, कोई भी हवा चल रही है और वो ये जो एरिया है इस एरिया की ओर अट्रैक्ट हो रही है, इसे चुंबक खींचते हैं ना, लोहे को खींचते हैं, लोहे को जैसे अपन क्या करते हैं, मान लो लोहा है, ये चुंबक है, ये कोई चुंबक है, ये कोई कील है, अपन क्या करते हैं, अगर चुंबक को खिंचाएंगे तो भी किसी के साथ में आएगी ना, तो वैसे क्या होगा, अर्थ घूमती है ना, तो ये वाला पार्ट ना इसका, ये वाला पार्ट क्या साथ साथ घूमेगा, तो और जो ये एयर है इसकी तरफ आ रही है। ठीक है, इसको आना यहाँ था लेकिन ये अर्थ घूम गई, तो क्या होगा, ये जो हवाई रेल आ जाएगी इसके साथ साथ घूम जाएगी, इसलिए से इसे बोलते हैं अपन कोर्लिस फोर्स। ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ ये होता है कोर्लिस फोर्स। ठीक है, आगे देखो, जनरली दीस विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल रेन और नो रेन, हेंस इंडिया शुड हैव बीन एरिड लैंड बट इट इज नॉट सो।
अब अपन बात करी थी कौन से एयर की, जब अपने बात करी थी वो एयर जो नॉर्थ से चलकर आती है, ठीक है, ये एयर कैसी होती है, ठंडी एयर होती है और तीन से इंडिया के अंदर कोई भी बारिश नहीं होती है, होती क्या भाई, क्यों नहीं होगी, बिकॉज इनमें मॉइस्चर नहीं होता है, और जिस एयर में विंड में मॉइस्चर नहीं होता है वो क्या नहीं करते है? वो एयर वो विंड बारिश नहीं करती है, ठीक है। आगे देखो, द प्रेशर एंड द कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक, क्या बोला इसने कि जो इंडिया के ऊपर प्रेशर लगता है जगह जगह एयर का प्रेशर लगता है और जो विंड कंडीशन है पूरे इंडिया पर वो क्या है, आर यूनिक, वो अपने आप में कुछ यूनिक है, कैसे है देखो, ड्यूरिंग विंटर सर्दी के अंदर देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस कॉल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशन टू द साउथ, ये तो अपना था। इस समय लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर इंडिया इंडिया एशिया एज वेल एज ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दिस कॉजेस ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग समर एयर मूव्स। हां देखो, फर्स्ट देखो अपन बात करते हैं, दैट प्रेशर एंड द विंड कंडीशन आर इंडिया आर यूनिक, ड्यूरिंग विंटर देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, मैं बनाऊंगा इस साथ नीचे सुनाऊंगा आपको, ठीक है। एक तो जो अपनी जो ठंड आती है वो कैसे आती है, गर्मी आती है वो कैसे आती है, और जो अपनी मानसून है वो कैसे आता है, ठीक है, इसके साथ बताएगा आपको। फिर अलग से हम सबको पढ़ेंगे अपन रेन का पूरा सिस्टम क्या है, मानसून का सिस्टम पूरा कैसे होता है, गर्मी का सिस्टम कैसे है। पहले बात करते हैं अपन इस एयर की चल के आते हैं अपनी नॉर्थ पोल से, ठीक है। तो क्यों पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये बताया गया इंडिया के अंदर जो एयर कंडीशन और प्रेशर वो क्या सब यूनिक है, सब में अपने आप में अलग अलग है, क्या कहते हैं। अगर सर्दी आती है, अपन सर्दी कब आती है, सितंबर में है ना, स्टार्ट सितंबर, सितंबर अक्टूबर में कहा जाता है, ठीक है। अक्टूबर के बाद क्या होती है, अपनी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर जो अपना सन है वो कहाँ होता है, वो होता है साउथ पोल में, जैसे यहाँ देखो क्या होगी, विंटर होगी, सदन में क्या होगा, समर होगा, मतलब क्या होगा, मतलब ये ना यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, इस टाइम पे क्या होता है, सूरज कहाँ चमकता है, सूरज ये वाला पार्ट है ना, दिसंबर की बात ना, दिसंबर के अंदर सूरज ये जो अपनी है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, यहाँ पर सीधा चमकता है, यहाँ पर सीधा चमकता है इस एरिया के अंदर एकदम चमकता सीधा, तो इस एरिया में क्या होता है, एक लो प्रेशर बन जाता है, क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, किस चीज़ का, एयर का, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो हवा होगा वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, और हवा की विशेषता क्या है, ये हवा क्या करती है, खाली जगह को भरने के लिए आती है, तो ये हवाएं इसको भरने के लिए आएंगी नहीं आएंगी, यहाँ से कहाँ से आएंगी वो हवाएं, यहाँ से ही चल कर, तो कुछ हवा यहाँ से ऐसे आती है, कुछ हवा यहाँ से ऐसे आती है, लेकिन अपन को भरना है इंडिया के लिए, तो ये हवाएं आ रही है, किस लिए आ रही है, ये आ रही है इस जगह को भरने के लिए, आ रही नहीं आ रही है। अब इससे क्या होता है, ये हवाएं आती है अपनी नॉर्थ पोल से आती है, और मैंने बताया कि एक फोर्स काम करता है कोरिओलिस फोर्स, पता ना आपको, जब ये हवाएं ऐसे आएंगी, अर्थ घूमेगी नहीं घूमेगी, घूमेगी ना, तो क्या होगा, जिस साइड अर्थ घूम रही है उस साइड का वो फोर्स अपने घूम जाएंगे, इस वजह से क्या होगा, ये इंडिया में एंटर करेंगे, करेंगे ना एंटर, इंडिया में एंटर करेंगे, और इस वजह से क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइम में इंडिया में क्या है, इंडिया में हाई प्रेशर है, ये तो देखने क्वेश्चन के बाद, और विंड कैसी आ रही है, ब्रिज, ब्रिज यानी क्या होता है, कोल्ड विंड, कोल्ड विंड आ रही है, ठीक है, ये तो अपना था फर्स्ट पॉइंट जिसको बताया गया था। अब बात सेकंड पॉइंट की, इंडिया के अंदर वो एयर प्रेशर कम कब होता है, इसका सेम उल्टा, इस चीज का सेम उल्टा, अपने इंडिया में कब गर्मी पड़ती है, जून के अंदर है ना, जून के अंदर है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जून के अंदर अब आप करते अपन इंडिया के अंदर लो प्रेशर, ये अपना इंडिया,
मान लिया अपन ने, ये अपना इंडिया ठंड गर्मी पड़ रही है, इसको जून के मंथ में गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी पड़ने का मतलब क्या है, गर्म है, गर्म मतलब क्या होगा, हवा नहीं है वहां पे, लो प्रेशर है। इस टाइम पे क्या होगा, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये वाला जो एरिया है, ये क्या होगा, ये सारा यहाँ पे बनेगी, इस एरिया में बनेगा लो एयर प्रेशर, बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर यहाँ बनेगा लो एयर प्रेशर, ठीक है। अब आप पिछले अभी नहीं करना, अभी भी प्रेशर, अभी पहले क्या था, पहले हाई प्रेशर था, यहाँ पे क्या लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, यूनिक प्रेशर है। अब विंड क्या होगी, विंड कौन सी आएगी, अब इसको भरने के लिए आ रही है, यहाँ से आएगी और यहाँ से आएगी, आएगी नहीं आएगी, तो पहले कौन सी विंड आएगी, ये आएगी या ये आएगी, ये वाली विंड आएगी ना, ये वाली विंड आएगी, एक तो ये विंड आती है अपनी यूनिक विंड है, और एक ये विंड आती है, ये विंड भी क्या है, यूनिक अपना, तो इसमें से ये समझ आ गया है कि इंडिया के अंदर क्या है, प्रेशर यूनिक है और विंड यूनिक चलती है, ठीक है। अब आगे इन विंड से प्रेशर से इंडिया पे क्या फर्क पड़ता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन विंड से और प्रेशर से इंडिया के अंदर क्या बनता है, इंडिया का सीजन बनते हैं, ठंडी का सीजन बनता है, गर्मी का सीजन बनता है, या फिर बारिश होती है, वो विंड की वजह से होती है। आगे देखो, इसमें एक चीज और है, द अपर एयर सर्कुलेशन बात करते हैं अपन, थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या है, अपर एयर सर्कुलेशन मतलब ऊपर जो सर्कुलेशन होता है, मतलब क्या हो गया, ऐसे 600 फीट तो नहीं हो सकते अपन, 6000 फीट है ना, यहाँ पे अपने जो माउंट वगैरह है, पहाड़ है, तो उनसे ऊपर का एरिया के अंदर जो विंड चलती है, उनको अपन बोलते हैं अपर एयर विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, एयर का सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, एयर का आना जाना चलना, उसको बोलते हैं सर्कुलेशन। देखो इसमें क्या है, द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन, इसके बात हो रही है इन दिस रीजन इंडिया की, इन दिस रीजन डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्नली फ्लो, an important component of this flow is the jet stream, ठीक है, these jet stream are located approximately 27 degree and 30 minutes north latitude, therefore they are known as the subtropical western jet stream, over India these jet stream flow south of the Himalayas all through the year except in the summer, the western cyclonic turbulence experience, ठीक है, बात करते हैं अपन कौन सी बात कर रहे अपन, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम क्या है, जो अपर एयर सर्कुलेशन में जो काम पे होता है अपने इस वाले रीजन पे होता है, इंडियन रीजन पे होता है, आता कहाँ से, ये आता कहाँ से, ये आता है इंडिया के वेस्ट से आता है, और कहाँ चलता है, ये चलता है जो हिमालय है ना अपना, हिमालय है इसके ऊपर चलेगा, वैसे नीचे चलेगा, थोड़ा थोड़ा चलता है, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे टकराता ना ये, तो ऐसे एक हिंदुकुश पर्वत और पाकिस्तान के अंदर हिंदुकुश पर्वत है, उससे क्या करता है, उससे टकरा के दो पार्टी बढ़ जाता है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये इसका, ठीक है, जेट स्ट्रीम का। और क्या करते हैं ये, इसको जो वेस्टर्न की हवा चलती है, इसकी हवा क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, द वेस्टर्न साइक्लोनिक टर्बुलेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एज ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्नली फ्लोस, और इस चीज से क्या होता है, तो वेस्टर्नली फ्लोस जो आते हैं, जो जेट स्ट्रीम आते हैं, अदर इनकी वजह से क्या होता है, वेस्टर्न से साइक्लोन आता है, वेस्टर्न से क्या आता है, साइक्लोन आता है, क्या साइक्लोन, साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन चक्रवात, ठीक है, क्या होता है ये, चक्रवात होते हैं, ये कब आते हैं, ये अपने आते हैं ठंड में आते हैं, क्यों आते ठंड में, कोई इसको पता नहीं कैसे आता, क्यों आते पर आते हैं, रिसर्च चल रही है, ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं अपने जो अफगानिस्तान के आगे एक छोटी सी एक जो बोलते हैं उसको सी है, थोड़ा सा सी है, इसको बोलते हैं बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया, बिगेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी है वो, कैस्पियन सी है क्या, कैस्पियन सी है क्या, मैं बता क्या, कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से क्या होता है, कैस्पियन सी के अंदर एक साइक्लोन बनता है, क्या बनता है, साइक्लोन बनता है, जब ये साइक्लोन इसके ऊपर से निकल के आएगा तो क्या होगा, पानी ले जाएगा सब, ठीक है ना, पानी, और जो साइक्लोन इंडिया में एंटर होगा, इंडिया में एंटर होगा, तो जो ऊपर जो जेट स्ट्रीम चलती रहती है, जेट स्ट्रीम चलती रहती है, इसके साथ मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना,
और इसकी वजह से क्या होगा, दो पार्ट बन जाएंगे इसके, एक पार्ट कौन सा जाता है हिमालय के ऊपर और एक पार्ट कौन सा जाता है हिमालय के नीचे जाता है, ठंड की बात है ये, ठीक है, जो जेट स्ट्रीम ठंड में आता है और साइक्लोन भी ठंड में आते हैं, तो ये वाला पार्ट अपने इंडिया में आ गया, ये वाला पार्ट उसको चला गया। इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया के अंदर ठंड में क्या होती है, बारिश होती है, इसे अपन बोलते हैं मावट। देखा आपने ठंड में बारिश हो रही है, दिसंबर में बारिश हो रही है या नवंबर में बारिश हो रही है, इसलिए होती है वो, इसकी वेस्टर्नली फ्लो है, इसकी वजह से होता है। वेस्टर्न के अंदर कैस्टेंसी है, वहाँ पर साइक्लोन बनता है, वो साइक्लोन जब ईस्ट की तरफ बढ़ता है तो जेट स्ट्रीम के साथ मिल जाता है, वो जेट स्ट्रीम से मिलने के साथ क्या होता है, दो पार्ट बढ़ जाता है, एक पार्ट चला जाता है हिमालय के ऊपर, सेकेंड पार्ट कहा जाता है अपना हिमालय की वजह से इंडिया के अंदर एंटर हो जाता है, और इसे राजस्थान पंजाब दिल्ली हरियाणा अपना जो है वहाँ पर क्या होती है ठंड के अंदर ये बारिश को उसको बोलते हैं अपना मावट, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं अपन द इंडियन मानसून, बहुत बड़े टॉपिक है, समझना आराम से, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न, बिकॉज एवरी माइन्यूट डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मानसून सीजन, द इंडियन मानसून, अब इसमें वो विंड काम करेगी, बताए थे मैंने आपको असर कराती है, वो विंड यहाँ काम करेगी, वो प्रेशर बताए थे मैंने यहाँ लो प्रेशर होता है, वो प्रेशर यहाँ पे काम करेगा। इतिहास के अंदर उन लोगों ने इंडियन मानसून को जो है विंड है उनको फील किया था, उनको जाना था, दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे कम बाय द सेलेक्टिव एट द मर्सी ऑफ द विंड, ठीक है। एट अरब्स हु हैड आल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम्ड द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून। आई पर्सनली अब बताओ मानसून में आ गई, अब इनमें ऐसा पूछा इसको, हाँ इसमें ऐसा बोला गया है कि जो पहले के जो सेलर्स थे, सेलर्स मतलब क्या होता है जहाजों पर चलने वाले लोग, ठीक है, वो सेलर थे, वो जब इंडिया के पास इंडिया वाले एरिया के अंदर आए, जो इंडिया के एरिया में आए, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर उन्होंने एक स्पेशल तो विंड है उसको फील किया, ठीक है, उस विंड का उन्होंने क्या किया, फील किया, और वो जब इंडिया में आए थे तो यहाँ पे जाने लगे, इंडिया में आए थे तो यहाँ पे जाते थे, इंडिया जाते थे, तो जो विंड चलती थी यहाँ पे इंडिया के अंदर, जो विंड चलती थी वो उस विंड पे डिपेंड करते थे, क्यों करते थे, बिकॉज पहले के जो जहाज वगैरह है उनमें मशीन नहीं होती थी, तो या मशीन वही है, पर्दा बांधो उसको खोलो चलो वाले सारे वही जाना, तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, उस विंड पर डिपेंड थे, विंड पर डिपेंड थे, ठीक है, और इसलिए वो जो अरब ट्रेडर्स हैं, जो अरब ट्रेडर्स हैं, इन लोगों ने इस विंड को खोजा, खोजा तो क्या, इसको इसके बारे में विचार करना शुरू किया, ठीक है, तो इन लोगों ने इस विंड का नाम दिया मानसून, क्या नाम दिया मानसून। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना यही है कि जो मानसून है किस भाषा का शब्द है, वो है अरेबिक का शब्द, अरेबिक मानसून इज द वर्ड ऑफ अरेबिक अरेबिक लैंग्वेज, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अरब ट्रेडर्स थे इन्होंने इसको खोजा था, ठीक है, इसमें समझाया गया था। आगे देखो यह अगर कारण है एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ
जनवरी जनवरी के अंदर जो वीनस सबकॉन्टिनेंट है, सबकॉन्टिनेंट है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कैसा होता है वो इसमें दिखा रखा है। ठीक है, विंड कहां चल रही है इसके अंदर, विंड चल रही है इसके अंदर 0 डिग्री इक्वेटर पे चल रही है, जो कि नॉर्थ से आ रही है और साउथ से दोनों जगह पे आ रही है। जैसे मान लो ये अर्थ का 0 डिग्री है, इंडिया के अंदर क्या है मंथ ऑफ जनवरी में ठंड है, सीधी सी बात है यहाँ तो सूरज होना चाहिए, सूरज तो नीचे होगा ना। तो देखो दिसंबर के बाद क्या होता है, दिसंबर के बाद सूरज क्या होता है ऊपर आना शुरू कर देता है। ठीक है, और जनवरी में वो कहाँ होता है, जनवरी में वो यहाँ होता है इस वाले पार्ट में होता है, इस वाले पार्ट में होने के कारण क्या होता है यहाँ से हवा आती है और यहाँ से हवा आती है। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया के अंदर जनवरी मंथ में हवा कहीं चलेगी ऐसे चलेगी। ठीक है, और प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा, क्यों, क्योंकि लो प्रेशर इस टाइम पे। ये समझाया गया था जनवरी मंथ में कैसा होता है, हाँ चलती है नॉर्थ टू साउथ वर्ड चलती है, प्रेशर इज हाई बट दैट टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर द इक्विटोरियल इन द मंथ ऑफ जून। अब जून के अंदर इंडिया के ऊपर कैसा होता है एयर प्रेशर और विंड कैसी होती है, तो हमें पता है कि 23 जून को सूरज जब वो कहाँ चमकता है, वो चमकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमकता है। और हमें ये भी पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलती है, इंडिया में से निकलती है, निकलती निकलती। इस टाइम पे क्या होगा, इंडिया के अंदर ये वाला हिस्सा कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा, होगा ना, सॉरी लो प्रेशर होगा। फर्स्ट अपना क्या हो गया, इंडिया के अंदर जून मंथ के अंदर कैसा होता प्रेशर, लो प्रेशर होता है, डायरेक्ट लो प्रेशर होता है। एंड विंड इसको भरने के लिए आएगी ना, विंड आएगी ना, कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी और ये यहाँ से आएगी, लेकिन यहाँ तो विंड नहीं आ सकती, क्यों नहीं सकती, यहाँ तो हिमालय अपना है ना, हिमालय विंड तो रोक देगा, लेकिन यहाँ तो खुला पड़ा है तो विंड कैसे आएगी, चलकर ऐसे आएगी। मतलब क्या हो गया, लो एयर प्रेशर में या फिर जनवरी मंथ के अंदर विंड कैसी आती है, विंड अपनी आती है साउथ टू नॉर्थ, या फिर बोल सकते हैं इसको साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, मतलब दक्षिण से आ रही है और पश्चिम से आ रही है, ये अपना क्या हो गया साउथ है और ये वेस्ट, मतलब यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है। क्योंकि इंडिया जब एंटर करती है हवाई, ये हवा जब इंडिया में एंटर करती है कैसे आती है, इस साइड से आती है। इंडिया में जो एंटर करने वाली डायरेक्शन कौन सी, इनकी साउथ वेस्ट ही है ना, ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे भी नहीं है, ऐसे है ऐसे, तो कौन सी होगी, साउथ वेस्ट विंड होगी। आई बात समझ में, ये जनवरी के अंदर कैसी विंड होती है, नॉर्थ से आती है, प्रेशर हाई रहता है, जून के अंदर इंडिया में गर्मी मतलब प्रेशर कम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो इंडिया के अंदर जो विंड आएगी जून मंथ में कैसी आएगी, वो साउथ वेस्ट से आएगी और इंडिया में एंटर करेगी। आपके जो डायग्राम है ये जो फोटो है, ओके बाकी का जो बच गया है, जो इंडियन मानसून है कैसे काम करता है, कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।